दोस्तों बच्चन मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर 1 GB इंटरनेट डेटा है ना, तो उससे आप 1 GB इंटरनेट डेटा को 24 घंटा आप चला पाएंगे, यानी कि पूरे दिन भर जो है ना 1 GB इंटरनेट को चला सकते हैं। सिर्फ आपको 3 सेटिंग आप अपने मोबाइल फोन के अंदर करना होगा। अगर दोस्तों आपको भी लगता है कि मोबाइल के अंदर इंटरनेट को ऑन करने से जल्दी जल्दी इंटरनेट डेटा खत्म होता है ना, और आप भी चाहते कि 1 GB इंटरनेट डेटा को पूरे 24 घंटा आप यूज करना चाहते, चाहे वो आप वीडियो देखता हो, चाहे वो ऑनलाइन गेम खेलता, कुछ भी करेंगे फिर भी इंटरनेट जो है ना 24 घंटा चला पाएंगे, लेकिन आपको 3 सेटिंग करना पड़ेगा। तो वो कौन से 3 सेटिंग है, तो इस वीडियो के अंदर इसी चीज के बारे में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे हो अटोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा मेरा मोबाइल फोन, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 सेटिंग बताऊंगा जिससे कि 1 GB इंटरनेट डेटा को जो ना पूरे 24 घंटा आप चला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी का आप सिम इस्तेमाल करता हो तो। ठीक है, आपको 3 सेटिंग करना पड़ेगा। अगर आप ये 3 सेटिंग के बारे में सबसे पहले सीखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। फ्री होता लाइक करना, ये जो लाल वाला बटन देखे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पिकल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करके कॉमेंट के अंदर फीडबैक दे सकते हैं और यहाँ पे आपको ट्रिक लिख सकते हैं। तो बस ये छोटे से काम करने के बाद दोस्तों मोबाइल की सबसे पहला खतरनाक सेटिंग बता देता हूं जिससे कि आपका मोबाइल फोन की 1 GB इंटरनेट डेटा ना बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म करता, वो भी 50% डेटा। ये सेटिंग अगर आप ऑन नहीं करते ना 50% डेटा आपका यूज करेगा, बिना मोबाइल को टच किए, मोबाइल को यूज भी नहीं करेंगे ना फिर भी इंटरनेट डेटा जल्दी जल्दी खत्म करेगा। तो सबसे पहला सेटिंग कौन सी है, बिल्कुल डेंजर सेटिंग है, तो आप अपने फोन की सेटिंग में चले जाना होगा। और जाने के बाद दोस्तों यहां पे एक सेटिंग मिलेगा एप्स। जी हां, जैसे कि आप देख रहे ना एप्स सेटिंग मिल जाएगा, इस सेटिंग को आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप इस सेटिंग को क्लिक कर देते ना तो काफी सारा आपके फोन के अंदर एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये एप्लीकेशन वही एप्लीकेशन दिखेगा, चाहे वो आपका प्ले स्टोर से आपने इंस्टॉल किया, चाहे आपके सिस्टम एप्लीकेशन है, वो आपको मिक्स दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको पता लगाना हो कि जो बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि अमेजोन हो गया, और भी सारा बड़े बड़े एप्लीकेशन होता है जैसे कि फेसबुक हो गया, ये सारा का सारा एप्लीकेशन को आप यूज भी नहीं करेंगे ना तो इंटरनेट डेटा आपका बैकग्राउंड में लेता रहता, चलता रहता, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 GB इंटरनेट डेटा कैसे खत्म हो गया, आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे उन्हीं एप्लीकेशन को देखना पड़ेगा कि आपका सबसे ज्यादा डेटा कैसे खत्म करता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेज़न को ले लेता हूं, इसको मैं क्लिक कर देता हूं। ठीक है, और जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों डेटा को सेव करना चाहते तो यहां पे मोबाइल डेटा होगा ना, जैसे कि मोबाइल डेटा नजर आता होगा, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे मोबाइल के अंदर एक सिस्टम सेटिंग दिया गया, जैसे कि अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूजिंग। जी सर, जैसे कि लिखा होगा मैंने अलाउ दिया हूं कि भाई मैं मोबाइल को यूज भी ना करूं, तो आप अपने मेरे मोबाइल के अंदर जो भी इंटरनेट डेटा वो खत्म कर सके, मोबाइल को यूज करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप तू मेरा इंटरनेट डेटा ले सकता। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको डेटा को ना बंद कर देना होगा, जैसे कि बैकग्राउंड का डेटा है ना वो बंद कर देना होगा। तो जैसे आप बंद कर देते ना तो आप अपने मोबाइल की 50% डेटा को आप बचा सकते हैं। जब भी एप्लीकेशन यूज करेंगे तभी वो एप्लीकेशन का डेटा लेगा, मगर बैकग्राउंड में डेटा नहीं लेगा, इससे आपका डेटा जो ना काफी ज्यादा बचेगा, काफी ज्यादा सेव होगा। और इससे पहले आपको ये सेटिंग के बारे में नहीं पता होगा कि भाई डेटा कहां खत्म हो रहा था, जैसे मोबाइल के अंदर इंटरनेट डेटा को चालू किया मोबाइल के अंदर इंटरनेट डेटा खत्म हो जाता है। तो आप ये प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो, और यही इन्हीं तरह से जो ना सभी एप्लीकेशन को आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेटिंग कर सकते हैं। ये था पहला सेटिंग, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दूसरा सेटिंग के बारे में। दोस्तों ये जो दूसरा सेटिंग है ना बिल्कुल कमाल का सेटिंग है, और इस सेटिंग को ऑन नहीं करते हो ना तो बहुत पछताएंगे और आपका डेटा और भी बचेगा। जी हाँ, क्योंकि हर सेटिंग का अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग यूज होता है, जो आपको करना काफी जरूरी है। तो आपको दूसरा सेटिंग जानने के लिए आप अपने फोन की सेटिंग में जाना होगा वापस से, और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले नीचे जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अबाउट फोन। ठीक है, अबाउट फोन में जाने के बाद सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन बिल्ट नंबर को 7 बार दबाना होगा। एक हिडन सेटिंग होगा जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। तो आपको डेवलपर ऑप्शन आप किसी फोन के अंदर सेटिंग के सेटिंग मिल जाएगा, एडिशनल सेटिंग के अंदर किसी फोन के अंदर अबाउट फोन के अंदर नीचे आ जाएगा, डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस सेटिंग को आपको क्लिक करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा नीचे जाना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं नीचे जाता हूं, ठीक है नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद ऐप नाम करके एक सेटिंग मिलेगा। ठीक है, तो मैं नीचे जाता हूं और नीचे जाता हूं यहां पे देख सकते हैं ऐप नाम करके सेटिंग मिल गया ना, जैसे कि ऊपर में लिखा है ऐप्स। ठीक है, सेटिंग को जाने के बाद दोस्तों यहां पे दो सेटिंग को एक ही सेटिंग में दो सेटिंग आता है। तो जैसे कि आपको डोंट कीप एक्टिव्स होगा, जी हां, इस सेटिंग को
ऑन कर देना होगा। ऑन करने के बाद दूसरा सेटिंग ऑन मिलेगा यहाँ पे बैकग्राउंड पोर्ट्रेस लिमिट, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट होगा तो आपको नो बैकग्राउंड पोर्ट्रेस पे क्लिक कर देना होगा। दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये जो नो बैकग्राउंड पोर्ट्रेस पे क्लिक करता है मेरे सेटिंग वर्क नहीं करता है, सेटिंग काम नहीं करता। दोस्तों इसी वजह से नहीं काम करता है क्योंकि आप ओल्ड वर्जन यूज करते होंगे, एंड्रॉइड 7 यूज करते होंगे या आप मतलब 8 यूज करते होंगे, तो एंड्रॉइड 9-10 यूज करेंगे जो टोटल फोन के अंदर आ चुका है एंड्रॉइड 9। जी हाँ, अगर आप एंड्रॉइड 9 इंस्टॉल किए हुए ना तो आप बड़ी आसानी से 100% वर्क करेगा ये सेटिंग और आपका डेटा जो ना और भी बचेगा। जो जितनी भी सिस्टम एप्लीकेशन होता है, जितनी भी जैसे कि आपका जीपीएस होता है, बहुत सारा चीज होता है जो बैकग्राउंड प्रोसेस करने के बाद जो है ना इंटरनेट डेटा लेता है, लेकिन अगर आप ये नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर देंगे ना तो मोबाइल को जैसे टेबल पे आपने रख दिया बंद करके वो आपका डेटा नहीं लेगा। जी हाँ, इससे आपका लंबे समय तक डेटा को चला पाएंगे, पूरे दिन भर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 1 GB इंटरनेट डेटा को। ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है। तो ये बता दिया, अब बात चले मैं आपको बता देता हूं तीसरा नंबर का सेटिंग के बारे में बता देता हूं। दोस्तों ये जो तीसरा नंबर का सेटिंग बताऊंगा बिल्कुल गजब का सेटिंग है और 100% आप सभी को नहीं पता होगा। अगर आप ये सेटिंग नहीं करते ना तो 20% तो डेटा जो ना आपका यूज हो जाएगा, उड़ जाएगा डेटा, इंटरनेट खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये सब डेटा कौन लेता? मोबाइल के एप्लीकेशन लेता। जी हां, मोबाइल का एप्लीकेशन कैसे डेटा लेगा? जैसे आप सभी को पता होगा कि प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे और यहां पे मैं सर्च कर लेता व्हाट्सएप, और दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर तो डेली का डेली आपको नए नए अपडेट आते रहते हैं। मैंने कल ही अपडेट किया, फिर से वापस से अपडेट आ चुका, ठीक है। इसे अपडेट करता हूं इसी वजह से क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर नए नए फीचर लेने के लिए, नए नए चीज को यूज करने के लिए अपडेट करना पड़ता है, नेचुरल बात है, वो अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों मोबाइल के अंदर जो काफी सारे एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि हम कुछ यूज करते हैं, जैसे रिंगटोन का एप्लीकेशन हो गया, वॉलपेपर हो गया, या वीडियो शेयर करने वाला हो गया, या टॉर्च हो गया, ये सारा एप्लीकेशन को अपडेट करने से कोई मतलब नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता है, कुछ भी काम नहीं होता, यूज ही नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ एप्लीकेशन होता है जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपडेट होता है, लेकिन बाकी फालतू का होता है। अगर इसी तरह से आपके फोन के अंदर मान लो कि 50 से 100 एप्लीकेशन, ठीक है, और सारा एप्लीकेशन को आप अपडेट कर देंगे तो आपका डेटा कहां जाएगा? बिल्कुल मतलब कि तुरंत चुटकियों में उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एक एक एप्लीकेशन 50-50 MB का अपडेट होता है, तो वो सारा का सारा एप्लीकेशन को रोकने के लिए और मैन्युअली आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते कि भाई ये एप्लीकेशन मैं अपडेट लेना चाहता हूं तो आप खुद से अपडेट कर सकते हैं, खुद से आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, शेड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं प्ले स्टोर के अंदर गया और जाने किया, इसे रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल के अंदर जाना होगा, सेटिंग के अंदर जाना होगा, यहां पे नेटवर्क परफॉर्मेंस होगा, इस पे क्लिक करना है और यहां पे लिखा होगा ऑटो अपडेट्स होगा, इस पे क्लिक करके डू नॉट ऑटो अपडेट्स पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। ये आपका ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, चाहे वो वाईफाई का यूज करेंगे, चाहे सेलुलर डेटा हो, तो वो आपका ऑटोमेटिक वो डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है, वो अपडेट नहीं होगा, इससे आप बच सकते हैं। तो इसी तरह से वीडियो भी आप कर सकते, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। करने के बाद दोस्तों अगर आप चाहते कि भाई मैं प्ले स्टोर के अंदर बार बार ना जाऊं और ये एप्लीकेशन अपडेट होना चाहिए, बिना एप्लीकेशन पे जाते हुए अपडेट होना चाहिए, तो आपको प्ले स्टोर को सिलेक्ट करना है और 3 डॉट पे जाना पड़ेगा। 3 डॉट पे जाकर के आपको अनेबल कर देना, अनेबल ऑटो अपडेट, इस पे क्लिक करके ऑन कर देना, बस आपका काम खत्म हो गया। बाकी कोई एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा आपके फोन के अंदर, जितनी भी एप्लीकेशन नहीं होगा, बाकी सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप चाहते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो अपने अनुसार जो है ना आप बड़ी आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो, वो भी प्ले स्टोर के अंदर जाकर के। जी हाँ, तो यही कुछ सेटिंग था, जो हर सेटिंग का अलग अलग यूज होता है, अलग अलग मतलब होता है। अगर आप ये तीनों सेटिंग कर लेते हो ना तो यकीन मानना कि 1 GB इंटरनेट डेटा को जो ना पूरे 24 घंटा यानी कि पूरे दिन भर आप उसे इस्तेमाल कर सकते, गेम खेल सकते, वीडियो देख सकते हैं और आपका डेटा जो ना आप लंबे समय तक आप यूज कर सकते हैं। तो यही था 3 सेटिंग जो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब करके बेल पे ऑल प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, अपने ख्याल लेकर टेक केयर एंड गुड बाय।